मीट, ऑयल, घी, कर्ड, बटर, चीज है ना, ऑल दीज आर दी रिच सोर्सेस ऑफ यू नो फैट्स. ये क्या है? फैट्स और लिपिड का जो है सोर्सेस है, ठीक है. और ये क्या करता है? हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है. आपको पता है कि हमारे बॉडी में है ना, वी ऑल नो दैट हमारे बॉडी में क्या होता है, इनसाइड आवर बॉडी सेवरल फिजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हमारे बॉडी के अंदर में ऑल दोस केमिकल रिएक्शंस, बायो केमिकल रिएक्शंस जो वो कंटिन्यू क्या होते रहते हैं ना. तो इन सभी रिएक्शंस को होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए. तो ये फैट्स क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई करता है, यानी कि जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होता है, ठीक है. बट इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है. और लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए हम लोग फैट्स जो है वो लेते हैं. अब मान लीजिए सपोज आपने जो है ना, आप अभी मान लीजिए आपका हेल्दी बॉडी है, यू आर स्लिम है ना, आप बहुत स्लिम है, अच्छे हैं है ना, आपका पेट वगैरह बाहर नहीं निकला हुआ है ना. और क्या, अगर आप लगातार अगर फैट ले रहे हैं ना, आप खूब जो है बर्गर खा रहे हैं, खूब आप जो है पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, आप खूब जो है क्या खा रहे हैं, जो आपको जो है ये आपका जो है ये जितने भी मीट वगैरह खा रहे हैं, ठीक है. तो इससे क्या होता है, इससे आपके बॉडी में जो है फैट वो क्या होता है, आपके बॉडी में डिपोजिट होने लगता है, ठीक है, डिपोजिट होने लगता है. यानी आपको जितना अमाउंट चाहिए, आपके बॉडी में जितना एनर्जी चाहिए, आपको वर्क करने के लिए जितना चाहिए, उससे ज्यादा आप जो है फैट कंज्यूम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी में डिपोजिट होने लगता है. और जब ये फैट लगातार हमारे बॉडी में डिपोजिट होने लगता है, तो ये एक तरह का बैड फैट भी बनाता है ना. हमारे बॉडी में दो तरह का लिपिड्स होते हैं, गुड और एक बैड. जो बैड लिपिड्स में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारा तरह का जो है प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आने लगता है. सो टू बिकम हेल्दी वी नीड यू नो वी नीड द राइट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑल दीज यू नो मटेरियल्स, ठीक है. हमारे बॉडी में ये सारे मटेरियल्स जो है वो सही प्रोपोर्शंस में चाहिए, तभी क्या होगा, हम लोग हेल्दी रह पाएंगे. अदरवाइज अगर हम लोग किसी एक को ले रहे हैं, दूसरे को नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो है हमारे लिए है ना, हमारा हेल्थ को ये डिस्टर्ब करेगा, और वी कैन नो वी कैन गेट सिक और वी कैन यू नो बी इल, ठीक है. तो अगर हम आपको बात करें कि प्रोटीन, अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा बताइए कितना कितना लेना चाहिए, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की हम अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें, जो कि राइस है ना, आपका पोटेटो है, तो नियरली अबाउट कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को 400 to 500 ग्राम, 400 to 500 ग्राम जो है ये डेली हम लोगों को चाहिए, डेली, ठीक है. 400 to 500 ग्राम जो है वी नीड यू नो दिस कार्बोहाइड्रेट डेली. इसके लिए आप सबसे अच्छा क्या, राइस और पोटेटो, सुगर है ना, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये सब आप ले सकते, ठीक है. चपाती है ना, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. अगर हम बात करें प्रोटीन का, अगर हम प्रोटीन का बात करें, तो प्रोटीन्स देखिए, प्रोटीन क्या होता है ना, प्रोटीन क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी, अगर आपके घर के आसपास या किसी भी आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा होगा, या किसी तरह का मान लीजिए बॉडी पेन हो रहा है ना, हाथ दर्द कर रहा है या फिर मसल्स पेन कर रहा है ना, तो सबसे पहले उसको डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रोटीन टेस्ट लिखते हैं, है ना. प्रोटीन में डिफरेंट टेस्ट होता है, जैसे यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, यूरिक आपका जो है यूरिक एसिड का टेस्ट होता है, ठीक है. तो प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी में अगर बढ़ जाएंगे है ना, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है, और घट जाने से भी प्रॉब्लम है. तो ये होता है, डिपेंड करता है एज टू एज. अगर हम बात करें 1 to 3 years का है ना, तो इनको चाहिए डेली कितना चाहिए, डेली चाहिए नियरली अबाउट 22 ग्राम्स, 22 to 25 ग्राम्स जो है 1 to 3 years एज के बच्चों को चाहिए. 4 to 6 years के अगर बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कितना चाहिए, वी नीड यू नो 30 ग्राम्स, ठीक है. 30 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो डेली जो है बॉडी में आना चाहिए, ठीक है. और अगर हम बात करें 7 to 10 years में, तो डेली अपटेक कितना होना चाहिए, नियरली अबाउट
45 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, 10 टू 15 इयर्स, तो इसमें कितना होना चाहिए डेली जो हमारा 55 टू 65 ग्राम जो है लोगों को क्या चाहिए, लोगों को प्रोटीन चाहिए। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 50 टू 100 ग्राम, ठीक है, एडल्ट में अगर हम बात करें तो 50 टू 100 ग्राम्स जो है ये प्रोटीन चाहिए, है ना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्टिविटी, हाउ मच एक्टिविटी यू आर डूइंग, ठीक है, हाउ मच एक्टिविटी यू आर डूइंग। अगर आप एक नॉर्मल वर्क करते हैं तो 80 टू 100 जो है ठीक है। अगर आप, है ना, मॉडरेट वर्क करते हैं मतलब, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है और आपका, है ना, ज्यादा चाहिए। तो ये जो है एडल्ट में 50 टू 100 ग्राम्स जो है पर डे, आई एम टॉकिंग अबाउट पर डे, ठीक है, पर डे। यानी कि जो लोग, आप लोग चाहते हैं कि पल्स ना खाएं, दाल ना खाएं, ना जो है मम्मी आपका जो है आपके लिए चावल दाल सब्जी लेकर आई, आप बोलेंगे नहीं मेरे को दाल अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, है ना, तो आप लोग खाना चालू कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये आपका प्रोटीन का सोर्सेस होता है, ठीक है, प्रोटीन का सोर्सेस होता है और ये जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, आपका हाइट जो है वो जो एक्चुअली होना चाहिए हाइट उम्र के अनुसार से वो नहीं होता है, फिर आप जो है, है ना, ड्वार्फ हो जाएंगे, मतलब जो आपका हाइट उस तरह से अचीव नहीं होगा जितना आप चाहते हैं, आपका बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, आपका जो है बॉडी में फिर क्या होगा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो एक्टिविटी ऑर्गन्स जो है वो सही से प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेंगे। तो ये प्रोटीन्स का जो है अमाउंट हम लोगों को पर डे डेली अबाउट, है ना, जो है 1 to 2 आप कह सकते हैं जो बॉल है वो हम लोग को पल्सेस अगर हम लोग लेते हैं तो इट कैन फुलफिल आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते। क्लियर, समझ में आ रहा है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट फैट्स और लिपिड्स, यस सर, तो हम लोग खाना क्या पहले, खाने से पहले उसका मेजर करें कि वो कितने ग्राम्स का है फिर खाएं? नहीं नहीं, वो आप राइस के साथ उसको लीजिए, राइस के साथ, चपाती के साथ, ठीक है सर। कार्बोहाइड्रेट सब बोले 400 टू 500 ग्राम्स, तो वो सब तो मेजर कर करके खाएं क्या रोज? नहीं, मेजर करके नहीं, वो ऑलरेडी जो एक मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए 400 टू 500 अगर आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आप 4 times, है ना, अगर आप 4 times या 3 times अगर फूड ले रहे हैं, सुबह ले रहे हैं, दोपहर में ले रहे हैं, शाम में ले रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब 400 टू 500 मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि आपको 400 नाप के लेना है, है ना। सपोज आपने सुबह में जो है मतलब मान लीजिए नाश्ते में या फिर दोपहर में आपने दो बॉल जो है 2 balls आपने राइस ले लिया, ठीक है, रात को मान लीजिए 1 balls आपने राइस ले लिया या चपाती ले लिया, मान लीजिए 4-5 आपने चपाती ले लिया, ये बस नॉर्मल जो हम लोग का फूड है जैसे कि आपका राइस, ठीक है, है ना, नियरली अबाउट 2 balls, 2 कटोरा तो आप दे ही सकते हैं, है ना, राइस, और मान लीजिए नियरली अबाउट 4 to 5 जो है चपाती जो है मॉर्निंग में, और मान लीजिए मतलब टोटल जो है मान लीजिए कि आपका शाम में मान लीजिए 3 to 4 आपका चपाती रात में, इस तरीके से फिर आप जो है कुछ फ्राइड चीजें ले रहे हैं 4 to 5 तो कंप्लीट डे में नहीं होता। यस सर, 4 to 5 तो कंप्लीट डे में चपातीज नहीं होता। अच्छा, उतना आप दिन में भी नहीं खाते हैं, ठीक है, उसके जगह में और आप चीजें लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि सपोज कि हम लोग कुछ फ्राइड चीजें भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुड़ी हो गया, मान लीजिए चिप्स हो गया, आलू का चिप्स हो गया, ठीक है, तो ये जो है मतलब नॉर्मली आपको एज यू नो एक आपको अनुमान लगाना हो कि हाँ इतना जरूरी है आपके बॉडी को वो चाहिए ना, तो ये जो है एक मिनिमम आपका ये एक रिक्वायरमेंट है, ये हम लोग बॉडी को चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके एक्सरसाइज के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर, इफ यू आर डूइंग हैवी एक्सरसाइज यू नीड मोर प्रोटीन, यू नीड मोर यू नो आपका प्रोटीन आपको और ज्यादा चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू योर, है ना, बॉडी, बॉडी के अनुसार से ये वैरी करता है, ये जो है आपका एक फिक्स अमाउंट है ना, इसके अगल बगल मतलब जरूरी नहीं कि ये इतना ही लेना है, मतलब इसके अगल बगल यानी कि आपका बॉडी के नीड के अनुसार से ये एक एवरेज अमाउंट ये फिक्स किया है, ठीक है, फ्रॉम WHO, you can see. अगर हम फैट के बारे में बात करें तो फैट्स नियरली अबाउट 20 to 25 जो है ग्राम्स वी नीड इन ऑफ फैट, यानी हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, मान लीजिए वेजिटेबल खा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, ऑयल है, ठीक है,
आप मान लीजिए कुछ बटर वाली चीजें खा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या है, फैट्स है, ठीक है। आप कुछ मान लीजिए चीज वाली चीजें खा रहे हैं, उसमें फैट है, कर्ड्स खा रहे हैं, उसमें फैट है। तो ये जो है आपका नियरली अबाउट 20 to 25 grams जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए क्या है, फैट्स। ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज है ना, हेल्दी रहने के लिए जो बेसिक जो एसेंशियल जो कंडीशंस है उसमें आपका क्या है, पहला है ईटिंग प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आज जो मेरा लेक्चर अटेंड किए हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स को लेकर, है ना, तो आपको एक अनुमान आ गया या फिर आप ये समझ लिए कि हम लोग को फूड कैसा लेना है ना। ऐसा नहीं कि बस रेगुलर चाउमीन ही खा रहे हैं और पास्ता ही खा रहे हैं, है ना, और अदर चीजें नहीं खा रहे हैं, नूडल्स केवल खा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे आपके बॉडी में एक चीज बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, कम। तो एक बैलेंस अमाउंट नहीं होगा, तो बैलेंस के लिए क्या करना, हमारे बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बैलेंस डाइट के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे आप में से किन्हीं ने बताया, जब मैं पूछ रहा था कि जो है आप एक गुड हेल्थ है तो क्या बोल सकते हो, आपने कहा था कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन आवर बॉडी। अगर न्यूट्रिएंट्स जो है हमको जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं होगा तो वो डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। जितना आयरन हमारे बॉडी में चाहिए अगर नहीं रहेगा तो आपको हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट जो है मैंने यहाँ कंसिडर किया था कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अगर बॉडी में सिर्फ वो लिपिड वाला पोर्शन, यू नो बैलेंस न्यूट्रिएंट, यस लिपिड वाला पोर्शन देखिए, इज इट विजिबल, ओके। नाउ विल जंप टू द अनदर पॉइंट दैट इज पर्सनल एंड द नेक्स्ट पॉइंट है ना टू बी हेल्दी। दूसरा जो कंडीशन क्या है हेल्दी रहने के लिए वो क्या है, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, हाइजीन का मतलब आप क्या समझते हैं, हाइजीन का मतलब क्या समझते हैं, हाइजीन का मतलब होता है क्लीननेस, है ना, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, है ना, साफ सुथरा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अगला जो पॉइंट है आपका है ना, जो बी पॉइंट है दैट इज योर पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, यानी स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी रहने के लिए जरूरी है कि हम लोग हाइजीन रहे, साफ सुथरा रहे, है ना। और पहले तो इस टर्म को हम लोग उतना नहीं समझते थे, हम लोग जैसे मन तैसे रहते थे, है ना, जैसे मन वैसे रहते थे, लेकिन अब तो COVID-19 हम लोग को ये भी सिखा दिया है कि घर में है ना रेगुलर हम लोगों को क्या करना है, हैंड वॉश करना है ना, प्रॉपर बाथ लेना है ना, साफ सफाई कपड़ा पहनना है, ठीक है, एक ही कपड़ा को जो है अगर आप बाहर उसको पहन के गए फिर घर आके उसको चेंज कीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, है ना। तो ये जो हाइजीन मेंटेनिंग जो आपका ये मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन है यानी क्लीनलीनेस, साफ सफाई जो है ये बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। इफ यू वांट टू बी हेल्दी देन यू हैव टू मेंटेन दिस यू नो क्लीनलीनेस, आपको जो है ये आपका जो है आपको क्लीन रहना पड़ेगा, आपको टाइडी रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता। ओके, सो पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद आप कैसे जो है साफ सुथरा रहें, है ना, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है कैसे है ना साफ सुथरा रखेगा अपने आप को, एंड हाउ कैन वी कीप आवर होम, हमारा घर जो है डोमेस्टिक हाइजीन, हमारे घर में भी सभी चीज साफ होना चाहिए, तो हाउ कैन वी कीप आवर होम है ना नीट एंड क्लीन, हम अपने घर के चीजों को घर को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप बिल्कुल अपना जो है आपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन किया, आप रोज बात कर रहे हैं, आप नए नए कपड़े पहन रहे हैं, साफ सुथरा कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, आप साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि आप जहां पर सो रहे हैं है ना वहां पर जो है बहुत ज्यादा गंदगी फैला हुआ,
ठीक है, या फिर मान लीजिए कि पानी वानी जो है थ्रो किया हुआ है, वाटर लॉजिंग यानी कुछ पानी वगैरह जम गया है, क्या होगा वहां से? तो ये तो आप खुद साफ सुथरा हैं, बट आपका घर जो है अगर वो गंदा है तो इसका मतलब आप भी साफ सुथरे नहीं, ठीक है। तो ये जो गंदगी है क्या करेगा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्म्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स को वहां पर क्या होगा, जगह देगा, है ना। और वो क्या होगा, धीरे धीरे मॉस्किटोज एंड डिफरेंट फ्लाइज जो है ये घर में क्या होंगे, जो है बनने लगेंगे, वो सब जो है जन्म लेने लगेंगे, और फिर ये क्या करेंगे, ये बीमारी को कॉज करेंगे, डिजीज करेंगे, और आपका हेल्थ को गुड हेल्थ से बैड हेल्थ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो पर्सनल एंड है ना डोमेस्टिक हाइजीन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पर्सनल अगर हाइजीन रहना है, पर्सनल अगर हम लोग अगर बात करें पर्सनल, तो पर्सनल कैसे रह सकते हैं, तो प्रॉपर प्रॉपर बात, है ना, सही समय पर बाथिंग करें, टाइम टाइम पर, है ना। ऐसा नहीं कि जो है दो दिन में तीन दिन में एक बार नहा रहे हैं तो ये तो सही नहीं है, है ना, क्लियर। प्रॉपर बाथ लेना जरूरी है, और क्या जरूरी है, क्लीन जो है क्लोथ्स, उन लोगों को साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना है, यानी प्रॉपर बाथ हो गया, क्लीन क्लोथ्स हो गया, ठीक है, है ना। क्लीन और यू कैन से, है ना, जो का प्रॉपर जो है फूड को भी हम लोग यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, एक बहुत ही ये कि हैबिट, अगर आप गुड हैबिट डेवलप करते हैं, हैबिट दो तरह का होता है, एक गुड हैबिट और एक बैड हैबिट, ठीक है। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा हैबिट अपने में डेवलप करें, ठीक है। तो आप एक बात ये जरूर ध्यान में रखिए कि अगर आप गुड हैबिट डेवलप करते हैं तो यू विल बी हेल्दी, आप पर्सनली क्या होंगे, हाइजीन में आपका हेल्दी होना जो है आपका हैबिट पर भी डिपेंड करता है। अभी आप सुनते होंगे बहुत सारे डिजीज जो है, बहुत सारे डिजीज को बोला गया है लाइफस्टाइल डिजीज, तो वो लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज इट इज ड्यू टू योर हैबिट, आपका हैबिट के कारण। यानी अगर आप अगर बैड हैबिट अपना रहे हैं जैसे, और बैड हैबिट तो अपनाना बहुत आसान है ना, बैड हैबिट तो सिखाना भी नहीं पड़ता है, खुद ही खुद ब खुद आ जाता है, isn't it? ये हम लोग खुद ही सीख लेते हैं, जैसे स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग, चीविंग, टोबैको, ठीक है। इसके अलावा स्लीपिंग इन अनप्रॉपर वे, ठीक है, ऑल दिस कम्स अंडर योर बैड हैबिट। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, चीविंग कर रहे हैं, है ना, स्लीपिंग जो है वो अनप्रॉपर वे में स्लीपिंग या स्लीपिंग अगर आप कर रहे हैं अनप्रॉपर वे में, ठीक है, यानी अच्छे तरीके से अगर आप मान लीजिए रात में अगर नहीं सोए आप अच्छे तरीके से, क्या होगा, सुबह में पता चल रहा है तो जो है ये नेक दर्द कर रहा है या फिर हैंड पेन कर रहा है, हेडेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ड्यू टू नॉट स्लीपिंग इन प्रॉपरली, ठीक है। साथ ही साथ और भी क्या है यहाँ पर, अगर आप है ना अगर आप जो है फॉलो बैड बिहेवियर और मिस बिहेवियर पीपल, क्योंकि ये आपका किस में आता है, ये तो सोशल सोशल जो आपका है, सोशल को भी तो ऐड किया गया ना, सोशल जो है फीचर को भी ऐड किया गया ना हेल्थ में। तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों से बैड बिहेवियर पीपल के साथ हैं और आप है ना खराब खराब चीजें सीख रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी इट इज ऑल्सो यू नो बैड फॉर योर हेल्थ, ये भी आपका हेल्थ को क्या इफेक्ट कर। और अगर आप गुड एक्सरसाइज अपनाएं, जैसे कि एक्सरसाइज, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज ले रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, सही तरीके से आप जो है अच्छे लोगों से मिल रहे हैं और अच्छी चीजों को ले रहे हैं, है ना, फॉलो गुड थिंग्स, ठीक है, ये सब क्या आता है, गुड हैबिट में आता है, ये क्या आता है, गुड हैबिट में आता है, लर्निंग गुड हैबिट, देन
then you can think that you are, you know, being healthy day by day. And if you are following, you know, bad habits, agar aap bad habit ko follow kar, kya ho sakta hai? It can affect your health, yani ki ye aapka bad health jo hai, theek hai, taraf aapko lekar ja raha. Clear? Yes or no? Yes. Now, अगर हम लोग बात करें domestic hygiene के बारे में, domestic hygiene के बारे में, तो domestic hygiene में क्या होगा? Domestic hygiene में क्या क्या आएगा? Domestic hygiene में जैसे आपका जो है क्या आएगा? यानी कि proper sanitation. हाँ, जो है house या home sanitation. यानी अगर आप उसको अच्छे से clean करके रख रहे हैं, ठीक है, all the utensils. Utensils, जो भी आप घर में यूज कर रहे हैं, सपोज है ना, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो आपका टेलीविजन हो या फिर आपका एसी हो, कूलर हो, नाइफ हो, ठीक है, आपका कुकर हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको भी साफ सफाई रखने से जो है ये रिलेटेड, ठीक है. डोमेस्टिक हाइजीन क्या होता है? आप अपने घर में जो भी यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं उसको भी साफ सुथरा रखना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? साथ ही साथ है ना, आप और भी डोमेस्टिक में क्या ऐड कर सकते हैं? क्या ऐड कर सकते हैं? सैनिटेशन में आपका आ गया रेगुलर क्लीनिंग ऑफ फ्लोर है ना, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ यू नो रूम टेबल्स, ठीक है, आपका जो है कीपिंग आवर पेट्स क्लीन, ठीक है, यस, द कीपिंग आवर पेट्स क्लीन मींस पेट डॉग पेट कैट इफ वी हैव. यस अगेन प्लीज सर. So keeping our pets clean. Very good, है ना? Keeping things in proper place. All these comes under your domestic hygiene. ठीक है? यानी ये आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये आपका जो है डोमेस्टिक जो है क्लीनलीनेस को दर्शाता है, यानी कि हाउ यू क्लीन योर होम, हाउ यू क्लीन योर हाउस, आप कितना अच्छे से उसको रखते हैं, that's your, you know, personal and domestic hygiene. तो दो चीजों को हमने डिस्कस किया. एक डिस्कस किया कि अगर प्रॉपर, अगर अच्छे से, अगर हेल्थ, गुड हेल्थ अगर मेंटेन करना है तो आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, है ना, यानी प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए, है ना, मिल्क, एग्स, ठीक है, फिशेस, इसका ज्यादा अच्छे से जो है आपको उसको खाइए. और जो भी आपका जो पास्ता है, चाउमीन है, जो भी फास्ट फूड है, प्लीज अवॉइड फास्ट, क्योंकि फास्ट फूड आगे चल के क्या होता है, यंग एज में तो आपका बॉडी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है उसके अगेंस्ट में, बट लेटर ऑन क्या होता है, व्हेन यू रीच एट द एज ऑफ 40 ना, 42 45, ओके, देन इट स्टार्ट्स शोइंग द इफेक्ट, क्योंकि उस समय तक लगातार आप अपना बॉडी में गलत चीजों को दे रहे हैं, डाल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है आपके बॉडी में, और जब आपका उम्र होने लगता है तो इट स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट, है ना, तब क्या होता है कि आपके हेल्थ को गुड हेल्थ से बैड हेल्थ में. क्लियर? नाउ जो थर्ड पॉइंट है आपका वो क्या है, योर वर्क एंड सोशल एक्टिविटी. वर्क एंड सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, दिस इज योर जो है थर्ड पॉइंट. यानी अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको है ना, आपके इसमें जो आपका प्रॉपर वर्क प्लेस है या आपका सोसाइटी जो सोशल एक्टिविटीज है, दीज आर ऑल्सो यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. ये भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, क्लियर. Yes, sir. नहीं, आप क्या करते हैं, अगर working at a good place, अगर अच्छे जगह में आप वर्क कर रहे हैं, वर्किंग एट ए गुड प्लेस क्या करता है आपको, है ना, keeps you healthy. अगर आप अच्छे जगह में काम कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये आपको क्या करता है, हेल्दी रखता है. अगर आप अच्छे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको
हेल्दी रखता है। अगर आप गलत काम करते हैं, सपोज है ना, आपने चोरी किया, आपने थीफिंग है ना, थेफ्ट किया या स्टोलिंग किया, तो क्या होगा इससे आपके माइंड में हमेशा क्या होगा, एक टेंशन बना रहेगा कि आई एम द गिल्टी, ठीक है, तो मैं गिल्टी हूँ, है ना, मेरा कभी भी इसमें मुसीबत पड़ सकता है, प्रॉब्लम में हम कभी भी फंस सकते हैं। इट यू नो इट गिव्स अ यू नो टेंशन, एक तरह का एक टेंशन क्रिएट करता है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वर्किंग एट अ गुड प्लेस इट ऑल्सो यू नो अफेक्ट योर हेल्थ। अगर आप अच्छे जगह में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ये आपके हेल्थ को है ना और अच्छा करता है। अगर आप खराब जगह में वर्क कर रहे हैं, यानी कि इफ यू आर वर्किंग इन डर्टी प्लेस, है ना, इफ यू आर वर्किंग इन सच एन यू नो प्लेस वेयर द पीपल्स दे बियर यू नो वेरी यू नो मिसबिहेवियर पीपल से, अगर आप बीचों बीच अगर मान लीजिए उनके साथ अगर आपका उठना बैठना है, ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर यू नो हेल्थ, ठीक है, क्योंकि गलत चीजों के साथ रहेंगे तो गलत चीजें ही सीखेंगे, है ना। उसके साथ साथ आपका सोशल एक्टिविटीज, यानी कि आपका जो गुड सोशल एक्टिविटीज अगर है तो ये क्या करता है, आपको जो है क्या करता है, हेल्दी रखता है ना। अदरवाइज अगर आप बैड सोशल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी आपके हेल्थ को अफेक्ट, इजंट इट, यस और नो? So the place sir. that are not good for yes, work, sir. अगर जो भी place अगर work करने के लिए अच्छा नहीं, yes sir, है ना, ऐसे जगह पर बैठे जहां पर किसी तरह का एक स्मेल आ रहा है, सपोज कि आपका एग्जाम है, यस, सपोज आप एक ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं जहां पर बगल में काफी ज्यादा गंदगी फैला हुआ है और यू नो डर्ट है ना, वहां से स्मेल आ रहा है, समटाइम्स द डर्ट कम्स इन योर यू नो आईज योर नोज, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये आपका हेल्थ को क्या कर सकता है, ये अफेक्ट कर सकता है, एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो वर्किंग गुड प्लेस, वर्किंग विद गुड पीपल यू नो कीप्स यू हेल्दी, ठीक है, अगर जो सोशल एक्टिविटीज वर्किंग विद गुड यू नो पीपल है ना विच आर गुड इन योर सोसाइटी, ये क्या करता है, आपको भी क्या करता है, अच्छी चीजों को सिखाता है और अच्छे बिहेवियर आप में आते हैं, अच्छे इंटरेक्शन लोगों से होता है, ठीक है, अच्छे संबंध बनते हैं, तो ये क्या होता है, इट ऑल्सो कीप्स यू यू नो फ्री फ्रॉम टेंशन, और अगर आप फ्री फ्रॉम टेंशन से इट मींस यू आर ओके। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करें। ओके सर, एक बार डॉक्यूमेंट नहीं लेना है आपको, ओनली वन चैप्टर है। यस सर, प्लीज एक बार डोमेस्टिक हेल्थ वाला पार्ट दिखाइए। डोमेस्टिक हेल्थ, कौन सा पार्ट देखना है? डोमेस्टिक हेल्थ, यस, थैंक यू सर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बी रेडी फॉर योर टेस्ट, है ना, अपना जो है टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। हाँ, ओके सर, क्लास में कुछ टेस्ट लेंगे, सरप्राइज टेस्ट लेंगे आपको, वो टेस्ट देना है, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, उसका आंसर आपको देना है, घर में अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है, ये केवल एक चैप्टर बचा है, इसको हम करेंगे, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस, हमारा सेल टिश्यूज ये जो चैप्टर है इससे हम लोग ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके सर, ओके ओके सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, गुड डे सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, गुड नाइट सर, सर बाय, गुड नाइट।